वर्नियर स्केल की जो एग्जैक्ट रीडिंग मालूम करने के लिए आपने सबसे पहले जो मेन स्केल की रीडिंग है वो नोट करनी है, फिर वर्नियर स्केल की रीडिंग नोट करनी है, और फिर वर्नियर स्केल की जो रीडिंग है उसको आपने 0.01 सेंटीमीटर यानी कि जो लीस्ट काउंट है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है जी, और उसको ऐड कर देना है मेन स्केल की रीडिंग के अंदर। जैसे कि अब हमने रीडिंग लेनी है इसी तरह इसके ऊपर। अब आप ये देख लें कि ये जो ज़ीरो है ये इससे पीछे कितनी लाइनें हैं, यानी कि ये 2 तक हो गई, ये 1.9, ये 1.8। 1.8 जो है ना इसकी रीडिंग थी, मेन स्केल की रीडिंग है 1.8, ठीक है। अब वर्नियर स्केल की वो कौन सी लाइन है जो कि इसको कोइंसाइड कर रही है, वो ये लाइन है, तीसरी लाइन है, तीसरी डिवीजन है, ठीक है जी। अब हमने करना है इसी तरह कि जो तीसरी लाइन थी, तीसरी डिवीजन थी, इसको 0.01 से सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है जी, और ये उसका आंसर आ जाएगा 0.01 लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करना है तीसरी डिवीजन को, तो 0.03 सेंटीमीटर आ गया। और 1.8 जो कि ऑलरेडी मेन स्केल की रीडिंग थी उसमें ये ऐड कर देना है, तो हमारा जवाब जो है ना वो डायमीटर आ जाएगा जो भी होगा 1.83 सेंटीमीटर, ठीक हो गया जी। थैंक यू सो मच।